आज हम जा रहे हैं अपने जीजू जी को छोड़ने। ये कुछ दिन पहले मनाली आए हुए थे, तो अभी बिलासपुर जाएंगे। तो अपना खाने का सामान आ चुका है। तो दोस्तों ऑसम ही व्यू है यहाँ का। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इस वाले ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक गॉर्डन और आप देख रहे हो मेरा इंटरेस्टिंग चैनल नाली वाला। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कीजिए। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग को करते स्टार्ट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हड़ोगी माता टेम्पल। तो ये रहा पीछे मेरे टेम्पल, और चलिए आपको टेम्पल का व्यू दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं टेम्पल के पास। तो ये रहा शानदार टेम्पल, देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों अभी बहुत तेज हवा चली हुई है, तो अभी मैं फिलहाल मंदिर से आ चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने जीजू जी को छोड़ने। ये कुछ दिन पहले मनाली आए हुए थे, तो अभी बिलासपुर जाएंगे। तो ये है बिलासपुर से। तो भाई वगैरह भी है साथ में। कैसा लग रहा है जी साहब आपको? हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, अच्छे करो, हेलो करो। ऐसी यहाँ पर भैया है और ये रही कार। तो ये लोग मनाली आए हुए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो दीदी अंदर बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर में मिलवाता हूँ उनसे भी। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं। ये रहा पंडो डैम, यहाँ पर जालियों से प्रोटेक्ट किया गया है इसको, ताकि आगे तक कोई ना जा पाए। तो आप देख सकते हो यहाँ से खाई भी है नीचे घिरने लायक। अभी आगे लगा हुआ है सड़क का काम, तो इसीलिए गाड़ी वगैरह रुकी हुई है। तो यहाँ पर रहे दीदी जी और यहाँ पर रुके हुए हम खाना खाने, और ये रहे जीजू। अभी रुके हुए हैं यहाँ इस ढाबे पे, और इन लोगों का जो सिटिंग वगैरह करने का प्लान है वो यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे, और पिछली तरफ का व्यू आप लोग देख सकते हो किस तरह का है। तो अपना खाने का सामान आ चुका है, तो खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हो चुके हैं खा पी के फ्री। फ़िलहाल हम रुके थे जाओ से 20 किलोमीटर पीछे, तो अभी हमें जाओ तक 20 किलोमीटर लगेंगे। और जीजू का घर जो है वो जाओ से 30-40 किलोमीटर और है, मतलब 50-60 किलोमीटर अभी और पार करना हमें। तो अभी चलते हैं, जो हम लोग हैं वो इनको छोड़ कर वापस आने वाले हैं, तो इसीलिए हम इतनी जल्दी में जा रहे हैं, और वापस भी आज ही आना है। हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर अपने स्टेशन पे, जहां पर हमने इन लोगों को छोड़ना था, तो अभी छोड़ दिया है। और इस जगह का नाम है घुमारवी, जो डिस्ट्रिक्ट है, और गांव का नाम तलवाड़ा। और पीछे आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है यार। पर आप देख सकते हो दूर दूर तक कहीं बर्फ़ का नामो निशान नहीं है, नहीं तो पहाड़ों के सामने ही बर्फ़ मुंह के सामने ही पहाड़ों में। और यहाँ पर दूर दूर तक और नज़ारा बहुत ही अच्छा है। कल भाई मनाली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, आपको पता है ये माइनस में रहता है, तो इसीलिए हम जैकेट वगैरह लगा कर आए, बट इनकी यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इनको भी उतारने का मन कर रहा है, बट चलो लगा लिए तो लगा लिए, अब चलिए। तो अभी मैंने सामान वगैरह उठा लिया, तो चलते अभी। तो दोस्तों ये रहा वो प्यारा सा गांव तलवाड़ा। तो चलिए अब इनको बाय बाय कहने का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं। हम सुबह घर से निकले थे 9 बजे, और अभी शाम के बज चुके हैं 3, और हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा अभी घर पहुंचने में, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे यार। तो अभी फटाफट से निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो 5 बजे का टाइम हो चुका है, हम 3 बजे पहुँचते हैं यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं। ये रहे इनके प्यारे प्यारे गेहूँ के खेत, देख सकते हो आप सभी। तो दोस्तों ऑसम ही व्यू है यहाँ का। बाय मामू, बाय। आराम से जाना मामू।
ओके बाय बाय अच्छू, लव यू, बाय, मिलते हैं ना। तो दोस्तों अभी की क्रंच सिचुएशन तो ये है कि आप लोग देख सकते हो यार बहुत सारा जाम लग चुका है क्योंकि आगे से भेड़ बकरियां आ रही है, तो अभी करते हैं वेट। तो गाइस अभी अभी मैं घर पहुंचा हूं, तो लगभग 200 किलोमीटर का सफर था आज का। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो बाय बाय।